सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृ दोष है, आपको कह दिया कि पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृ दोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है हंडा होता है, पानी का जो मटका है हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में, उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 पांच बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृ दोष होगा समाप्त।